टावर की जनसुनवाई में पहुंचे बहरोड विधानसभा के लोग। कोरोना जागरूकता शिविर में पहुंचे बहरोड व मुंडावर विधायक के बीच हुई नोकझोंक। मुंडावर कस्बा स्थित पंचायत समिति सभागार में कोरोना जागरूकता को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा रखी गई बैठक में बहरोड विधायक बलजीत यादव व जनसुनवाई करने पहुँचे। गौरतलब है कि उक्त बैठक में जनसुनवाई के बारे में प्रशासन द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों, आमजन व मीडिया को जानकारी ही नहीं दी गई। इसको लेकर बैठक में पहुंचे विधायक मंजीत चौधरी ने प्रशासन को लताड़ लगाई। क्षेत्र में बहरोड विधायक बलजीत यादव के अचानक पहुंचने की चर्चा पूरे दिन रही। इसी बात को लेकर दोनों विधायकों में नोकझोंक भी हुई। मुंडावर विधायक मंजीत चौधरी का कहना था कि प्रशासन द्वारा कोरोना जागरूकता के लिए बैठक का आयोजन किया गया था, फिर इस बैठक में जनसुनवाई करना ठीक बात नहीं है, क्योंकि यह कार्यक्रम जनसुनवाई का होता तो समय पर सूचना दी तो यहाँ पर मुंडावर का आम और गरीब आदमी भी उपस्थित होता। पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मुंडावर से अधिक बहरोड के लोग ज़्यादा मौजूद हैं, जो आपके साथ आपके काफिले में आए हैं। इस पर मंजीत धर्मपाल चौधरी ने उपस्थित लोगों से निवेदन किया कि यहाँ पर मुंडावर से जो लोग आए हैं वह अपना हाथ उठाए, तो उपस्थित लोगों में से केवल 3 ही लोगों ने हाथ उठाया। वही मंजीत चौधरी ने बहरोड विधायक बलजीत यादव से कहा कि आज सरकार के साथ आप अभिन्न अंग हैं, आप जो कहते हो सरकार सुनती है, तो आप मुख्यमंत्री जी से बोलो कि समय पर 200 विधानसभाओं को सम्मान मानते हुए सभी का एक जैसा विकास करें, भेदभाव करना बंद करें और किसानों पर विशियार के नाम से हो रही दादागिरी को बंद करें। बहरोड विधायक ने बिजली विभाग व पुलिस प्रशासन पर जमकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अंत में उन्होंने राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करने के उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश दिए। काफ़ी देर तक दोनों विधायकों में हुई नोकझोंक के बाद प्रशासन ने कोरोना की मुंडावर उपखंड क्षेत्र में स्थिति के बारे में बताया कि मुंडावर ब्लॉक में कुल 6,748 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 643 पॉजिटिव केस हुए। इनमें से अभी 126 एक्टिव केस हैं। वही एक व्यक्ति की मौत कोरोना से हुई है। उपखंड अधिकारी राम सिंह राजावत ने कोरोना महामारी की दवाई नहीं आने तक बैठक में उपस्थित सभी कर्मचारियों को मास्क लगाने, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा COVID-19 गाइडलाइन की पालना करने सहित आमजन से पालना करने का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान SDM राम सिंह राजावत, तहसीलदार रोहितास पारिक, ASP नीमणा जयपाल यादव, CO नीमणा लोकेश मीणा, BDO थानाधिकारी लक्ष्मीकांत शर्मा, CBO विनोद धवन, संत चेलाराम, सरपंच जय सिंह, सरपंच सोनू भारद्वाज, सरपंच रामपाल यादव, अजीत अवाना, समाजसेवी सुनील कौशिक, बलवीर गुजर, पूर्व सरपंच जगबीर चौधरी, एडवोकेट मुंशी राम गुजर आदि उपखंड स्तरीय अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मैं चाहता था सरपंच साहब कह रहे हैं, मैंने आपको फोन किया, सरपंच साहब ने मेरे को क्या क्या पूछा, आप सरपंच साहब बोलिए कोई नहीं। अजी साल का सबसे बड़ा त्यौहार है, किसी भी व्यक्ति को सुन लेना बात, कोई गलत फहमी में ना रहे, कोई भी व्यक्ति गलत फहमी में ना रहे, सुन लेना मेरी बात, मैं बहुत पॉजिटिव तरीके से बात कर रहा हूँ, कोई गलत फहमी में ना रहे, कोई भी जनप्रतिनिधि है, एक भी व्यक्ति मुझे कहेगा, चाहे मुंडावर का हो चाहे कहीं का भी हो, कि मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, आप आइए तो बलजीत यादव आएगा। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हर आदमी को सूचना दे, हर आदमी आएगा तब मैं आऊंगा, या स्थानीय MLA आएगा तब मैं आऊंगा, अकेला भी आऊंगा। और एक अधिकारी मैं बहुत पॉजिटिव सोच रखता हूँ, कि मेरा नेगेटिव नहीं रख रहा हूँ, पॉजिटिव सोच रखता हूँ कि कोई मुझे कहता है कि कोई अधिकारी है वो नहीं मान रहा है, सरकार की बात नहीं मान रहा है, एक भी व्यक्ति कह सकता है, तो मैं आपका अगर तकलीफ होगी, मान लीजिए आपके साथ किसी बिजली वाले ने कोई इनजस्टिस कर दिया, पुलिस वाले ने कर दिया, और आपने कहा मैं मुंडावर थाने पर खड़ा हूँ और मेरी FIR नहीं जा रही है,
और आप एमएलए साहब आइए तो क्या मैं ये कहूंगा कि सबको सूचना दीजिए थाने वालों, तब मैं आऊंगा। मुझे अगर मेरे पास वक्त है और मैं अगर आ सकता हूँ तो मैं आऊंगा। और अगर कोई मीटिंग इन्होंने अर्जेंट चुके रख दी है, रख दी हो, मैंने भी कहा वे रख दी होगी तो या तो नहीं आए, कोरोना की जागृति के लिए कुछ भी अलग चीज होगी, मैं क्यों नहीं आए और उसका नुकसान होगा। लेकिन अगर मुझे कोई भी सरपंच कहता है, सिंगल भी सरपंच कहता है और या एक आम आदमी भी मुझे कहता है कि मेरे यहाँ पे समस्या है, मैं ये चाहता हूँ आपसे मुझे सहयोग मिले और वहाँ पे अधिकारी है वो बदमाशी करा, मैं अधिकारी कहूँगा हाँ भाई बिल्कुल मैं आ रहा हूँ, अधिकारी चार अधिकारी बुला लेगा तो बुला, मैं बुलवा सकता हूँ ना कि बुला सकता, ये भी मंजीत जी बुला सकते हैं, नहीं तो बुला सकते हैं। अगर मेरे किसी भी जगह पे कोई गलत हो रहा है एडिशनल को ये भी कह सकते हैं कि बिल्कुल आपके अगर मेरे पास अगर पुलिस की कोई शिकायत है कि पुलिस नहीं सुन रही है, पुलिस नहीं सुन रही है तो मैं एडिशनल एसपी को कह सकता हूँ, मैं भी मुंडावर जा रहा हूँ और वहाँ पे गलत हुआ आप भी आइए, आना पड़ेगा, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो चाहे कोई दूसरा हो, डीएसपी को नहीं कह सकता हूँ। बिल्कुल मैंने कहा एडिशनल एसपी को कि मेरे को कोई पुलिस की समस्या है, मैं भी जा रहा हूँ, आप आइए वहाँ पर। डीएसपी को भी मैंने कहा आप आइए यहाँ पर, नहीं कैसे आएंगे आप, नहीं कर आम बलजीत यादव छोड़ दी जाए मेरे को, आम आदमी भी अगर यहाँ पे 500 आदमी खड़े होकर कहेंगे, एसपी भी आएगा, आईजी भी आएगा, डीजी भी आएगा कि समस्या आप आइए, आना पड़ेगा एसडीएम को, आना पड़ेगा एसडीएम नहीं आए, हम पहले आगे बुलाया एसडीएम क्यों नहीं आया भाई, समस्या है आएंगे। वो कोई भी मेरे में मादा होना चाहिए लड़ने का, तो मैं जाऊँगा नहीं तो लड़ूंगा। और जिस दिन पब्लिक मीटिंग होगी, ऑफिशियल मीटिंग होगी, वो बुलाएंगे, उनका काम है। ये कोई अनाउंस पेपर में किया हो कि सब सरपंचों का मीटिंग होने जाएगी, कल बताया था कि और आपके पास कल सूचना थी जो मीटिंग होने जा रही है, आपने जो बात की हमारी कुछ समस्याएं भी, आप भी बताओ, बिल्कुल आ जाएंगे भाई सरपंच साहब, आपने मेरे को फोन करा, इनका काम है प्रशासन का, सरपंच नहीं, आपने बलजीत जी को कहा कि आप मुख्यमंत्री प्रशासन की मीटिंग है तो आप कैसे प्रशासन की नहीं, प्रशासन को तो सुबह मैंने कहा कि आपने सरपंचों को मीटिंग रखी, सरपंच साहब वाले दूसरे लोग हैं सबको सूचना दे देंगे। माननीय विधायक महोदय, हम नए नए जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठे हैं, हम छोटी सी पंचायत में बैठे हैं, नेक्स्ट टाइम तय कर लीजिए, आपको हमारा सौभाग्य है कि आप दोनों विधायक आज आप दोनों इस तरीके से, अगर हमारे आदरणीय है दोनों आप इस तरीके से बहस करेंगे तो इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, हम नए सरपंच चुन के आए, मेरा तो कर्तव्य नहीं लगता है नेक्स्ट टाइम।